अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। साग का सीजन है तो उसी मुनासिबत से क्यों ना आज साग बनाया जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। चार किलो साग लिया है हमने। जैसे कि आपको पता है, साग को मुख्तलिफ तरीकों से काटा जाता है। यहाँ मैं छोटी सी कटर मशीन के ज़रिए साग को काट रही हूँ, जिसे बहुत ही बारीक और बहुत ही अच्छा साग कटता है। याद रहे, जितना बारीक आप साग काटेंगे उतना ही आपको घोटने में आसानी होगी। साग को बहुत अच्छे से बारीक काट लेने के बाद 3 से 4 मरतबा साग को साफ पानी में धो लेंगे। एक पोथी लहसुन, 3 से 4 इंच अदरक का टुकड़ा, पाव हरी मिर्च, तमाम अज़ा को बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और साग में ऐड कर देंगे। दो बड़े चम्मच या हसब जरूरत नमक ऐड करेंगे और दरमियानी आंच पर साग को चूल्हे पर पकने देंगे। साग को 80% गला लेने के बाद साग को, जो हमारा देसी तरीका है, मधानी की मदद से दबा दबा कर बहुत अच्छे से घोट लेंगे। मुझे ग्राइंड किया हुआ साग बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ इसे मधानी की मदद से घोट लूँगी। साग को घोटते वक्त गाढ़ा करने के लिए मकई का आटा ऐड करते रहेंगे। अगर मकई का आटा अवेलेबल नहीं है तो आप सादा आटा या बेसन भी ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छे से घोट लेंगे। जो ही आपको लगे साग बेहद बारीक हो चुका है, साग को थोड़ा सा पतला रखेंगे, बिल्कुल पानी ख़त्म नहीं करेंगे। अब साग को हम लहसुन का तड़का लगा देंगे। 3 से 4 जवे लहसुन के और हसब ज़रूरत ऑयल। लहसुन को बारीक काट के ब्राउन कर लेंगे और साग को तड़का लगा देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही बारीक घुटा हुआ लहसुन का तड़का लगा हुआ मज़ेदार और डिलीशियस सा साग है बिल्कुल तैयार। बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको बेहद पसंद आएगी। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, रब राखा।